हाय हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनाली और आप सबको सोनाली कलरफुल लाइफ में स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताना जरूर। तो आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। सोच रही हूँ आज मैं अपने दिन का पूरा वीडियो आपको दिखाऊँ, मैं दिन भर क्या क्या करती हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। एक्चुअली आज है मेरा मैरिज एनिवर्सरी, कुछ तो ऐसा प्लान नहीं है। कौन ला आई लुक अगली, ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है बाहर जाने के लिए, लेकिन देखते हैं टाइम के साथ कैसा क्या प्लान बनता है। अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम बाहर नहीं जा रहे तो घर के अंदर आज हम क्या क्या करेंगे, तो वो वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग क्या है? एनिवर्सरी ब्लॉग। तन भी कुछ गिफ्ट ली? नहीं। तन भी कुछ दी मम्मी को? कुछ भी नहीं दी। फिर बोल रही ये कैसा अगली होकर है। बेडशीट देखिए, बेडशीट भी निकाल दी, बेडशीट डालना बाकी है। पूरा घर गंदा हो गया पड़ा है, बेडशीट सब निकाल दी। हाँ आज एक्चुअली हम लेट उठे, संडे है बोलकर मैं लेट उठी तो टिफिन नहीं बनाई थी, तो तन्वी को पापा को बोलकर टिफिन लेकर आ गए। बोल रही है घर दिखाने के लिए, लेकिन घर पूरा गंदा हो करे। मैं दिखा दे तू एक बार कितना गंदा है, और क्लीनिंग भी करना है तो आप लोगों को दिखाऊंगी बिफोर आफ्टर का लुक भी। बहुत सारा काम पेंडिंग है तो वो सब मैं करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो ऐसा ही चलेगा। बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी रथ यात्रा के बाद, तो वही वीडियो बनाने के लिए मैं स्टार्ट की हूँ। देखिए पूरा घर गंदा है, कहाँ कहाँ सब फैला। यहाँ पर टिफिन है, वहाँ भी बेडशीट नहीं है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताने वाली थी, भूल गई कि मम्मी मेरे मदर इन लॉ जो है वो ओडिशा चले गए, तो ये रूम भी खाली है। अभी ये रूम भी सेट करना है, कुछ सेट नहीं की। सब घर रूम पूरा ऐसा ही बिखरा पड़ा है। आज पूरा क्लीन करके बेडशीट डालूंगी, अगर टाइम मिला तो मैं बाहर जाऊंगी। ये तन्वी का रूम भी देखिए, कुछ भी सुबह उठ के काम नहीं हुआ है। यहाँ भी बेडशीट नहीं है, तो पूरा बेडशीट डालूंगी। बहुत सारा काम है, अभी तक कुकिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ, बहुत सारा काम है। संडे है लेकिन संडे के जैसा नहीं लग रहा है, और काम करने को हिम्मत भी नहीं हो। और अभी मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, और बाहर खाने के लिए मन नहीं, क्योंकि बहुत बार बाहर जाके खाकर बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर खाने के। और अभी हैदराबाद में थोड़ा डेंगू कलेरा सब स्टार्ट हुआ है, इसीलिए बिल्कुल भी खाने के लिए मन नहीं है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चिकन बिरयानी। राइस मैंने बासमती राइस चढ़ा दी, उसमें मैं फुल स्पाइसेस डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और धनिया पुदीना कुछ भी नहीं है, तो तनवीर के पापा गए हैं लाने के लिए, वो जब लाएंगे तब मैं डाल दूँगी उसमें। और फिर नमक तो ज़रूरी है, अच्छा खासा नमक जाता है। इसको अगर सॉल्टी कर देंगे ना वाटर को, तो फिर राइस का नमक ठीक होता है। तो इसमें मैं होल स्पाइसेस पूरा डाल दी, देख सकते हैं आप। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अनासी, और फिर मैस, और फिर ब्लैक पेपर, लौंग सब डाल दी। अभी मैं थोड़ा बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जब ये राइस थोड़ा हो जाएगा 60-70% तक, तब मैं इसको छान के ओपन करके रख दूँगी, जब कि वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा ऑयल भी डाल दूँगी, ताकि प्रॉपर रेसिपी तो शायद दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा आज का वीडियो अगर प्रॉपर रेसिपी का वीडियो दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, थोड़ा ओवरलुक, थोड़ा ऐसे ही ऊपर से मैं दिखा दूंगी। ऑयल थोड़ा अच्छे से डाल दूंगी तो चिपकेगा नहीं। फिर लास्ट में जब 2-3 मिनट रहेगा ना निकालने के लिए राइस, तब मैं उसमें हाफ लेमन स्क्वीज करके डाल दूँगी, देखिए। और थोड़ा होने से हो जाएगा, अभी तो आधा हो गया। मैं दिखाऊंगी कब तक ये होगा,
और थोड़ा होगा उसके बाद मैं छान लूँगी। अभी मैं जा रही हूँ बेडशीट डालने के लिए, बहुत गंदा दिख रहा है बेडरूम वगैरह, इसके बीच बेडशीट डाल दूँगी, तब तक ये हो जाएगा। बेडशीट डाल दी हूँ, अभी मैं कुकिंग की तरफ चलती हूँ। ये चिकन क्लीन कर रहे हैं, चिकन क्लीनिंग का ड्यूटी इनका है। और राइस बन गया, धनिया पुदीना मैं बाद में डाली क्योंकि नहीं था तो लेकर आए तो डाल दी, देख सकते हैं आप। इसको मैं ड्राई होने के लिए रखी हूँ, सूखने के लिए थोड़ा, उसके बाद मैं बनाऊँगी बिरयानी, चिकन बिरयानी। ठंडी ओए ठंडी नाली, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, अच्छी दिख रही है अभी, यहाँ के काली दिख रही थी काली। क्या कर रही हेड आई करना आ गया ना, देखो ओहो ओहो। और ये तन्वी का रूम, तन्वी के रूम पे भी बेडशीट डाल दी मैं, पूरा गंदा होकर दिख रहा था। एक्चुअली तन्वी के रूम इतना बेडशीट अच्छे से नहीं डाल दी क्योंकि वो अभी तक पेन का दाग नहीं, तो स्केच पेन वगैरह रखती है ना। देखिए यहाँ पर ये भी नया बेडशीट है लेकिन शायद यहाँ पर स्केच का मार्क रह जाता है, ये यूज़ करते फिर बंद नहीं करती, वो सब बेडशीट में लग जाता है। तो इतना मैं तन्वी के रूम पे बेडशीट वगैरह बहुत सारा है लेकिन नहीं डालती हूँ, तो आज डाल दी थोड़ा अच्छा लगेगा बोलकर, तो ये है। और बाकी का तो पूरा गंदा पड़ा है, जब अच्छे से सजाऊंगी तो तन्वी का रूम मैं दिखाऊंगी क्या है कैसा है। और ये है तन्वी का तीन फ्रेंड जो यहाँ पर बैठे हैं, तो ये हो गया तन्वी का रूम का बेडशीट। नेक्स्ट मैं गेस्ट रूम का भी बेडशीट डाल दूंगी जो गंदा होकर है अभी। ये मैं क्लीन करूंगी अभी, आज बहुत काम हो गया और बहुत काम पेंडिंग भी है, तो ट्राई कर रही हूँ जल्दी जल्दी करने के लिए और आपको दिखाने के लिए। और अभी ये वाला रूम भी हो गया, और यहाँ पर टेकने की थोड़ा अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बाकी का ऐसे ही मैस होके पड़ा है, ये सब क्लीन करूँगी। लेकिन बेडशीट का काम तो एटलीस्ट हो गया आज, एक दिन में सारा काम नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ही करी हूँ, शायद आप सब भी ऐसे ही करते होंगे तो मैं भी ऐसा कर रही हूँ, एक दिन में पूरा काम नहीं हो रहा। अगर संडे है घर में सब लोग है। ये है हॉल, हॉल भी मेरा क्लीन हो गया, कितना गंदा था देख सकते थे पहले। ये है हॉल, हॉल भी क्लीन कर दी, अगर घर क्लीन कर दूँ ना उसके बाद आराम से कुकिंग करूँगी ना तो थोड़ा रिलैक्स लगता है, अगर कुकिंग के बाद ये फिर बाकी सब करना पड़ेगा ना तो और पैथेटिक लगता है, इसीलिए मैं पहले घर क्लीन कर दूँ। घर क्लीन कर तो मेरा माइंड एक्चुअली फ्री हो जाता है, कुछ करने को मन होता है तो मैं घर क्लीन कर दी। ये कॉर्ड जिसमें जो चिकन में जाएगा और इसके अंदर डाल रही हूँ नमक हल्दी, पहले से मैं चिकन में डाल दी इसीलिए मैं सिर्फ इसमें चिली पाउडर, फिर बिरयानी मसाला, फिर इसमें पहला से जो आई थी बिरयानी मसाला देख सकते हैं, बिरयानी मसाला मुनार से आया, मुनार से आया।
वन स्पून डालूंगी और इसको मैं मिक्स करके चिकन में मिक्स कर दूंगी, तो ये मसाला पेस्ट हो जाएगा। और ये है प्रिया का, देखो, और ये है प्रिया का बिरयानी मसाला पेस्ट। इसके अंदर मैं थोड़ा मिक्स कर दूंगी, ये बहुत अच्छा खुशबू आता है इसमें से, क्योंकि इसमें पुदीना धनिया का भी पेस्ट रहता है ना, बहुत अच्छा स्मेल आता है। तो ये सब मिक्स करके मैं चिकन के अंदर डाल दूंगी। चिकन ऑलमोस्ट हो गया है और यहाँ पर मैं बिरयानी का पानी रखी हूँ चावल का, ये डालेंगे तो अच्छा स्मेल आएगा। तो थोड़ा ऐसा रख देंगे ना तो अच्छे से स्मेल आता है। ये है गाइस आज का एनिवर्सरी का प्रिपरेशन। बाहर ना जाकर घर पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन्होंने आज एनिवर्सरी में भी ये सारे खाना कुक किए हैं, विच इज़ गुड। वी ऑल एंजॉय, होप। आज का विश क्या है? आज का विश सबकी तबीयत अच्छी रहे और हमेशा खुश रहे। मैं मेरा विश क्या है? आपका विश क्या है? बोलो बोलो बहुत कुछ बड़ा मत बोलना, बस छोटा वाला बोलना, कुछ भी हो। बहुत ही बड़ा बोलूंगी, नेक्स्ट जन्म में मैं लड़का होंगी और तुम लड़की होगे। चलो ठीक है, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। हम दोनों का ही शादी होगा, मैं अच्छे से कुकिंग कराऊंगी, कपड़ा धुलाऊंगी और फिर क्या, कपड़ा सुखाऊंगी और फिर क्या, जितना भी आप घुमा रहे हो ना उतना कुछ भी घुमाऊंगी नहीं, कुछ खरीदूंगी नहीं, तो मेरा थोड़ा मन हल्का होगा। ओके, एक्सेप्टेबल। सारा काम करना पड़ेगा घर का, कर लेंगे। यस, अभी भी तो कर रहे हैं। हाँ क्या सुबह से क्या करें, इतना काम करो तो, इतना काम। हाँ फिर और क्या, याद नहीं आ रहा है। कर लाया, आहा, हमारा शादी का वीडियो अरेंज किया देखने के लिए, सोसाइटी का इतना काम किया। हाँ सुबह से सोसाइटी घूम 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 के आए, अभी खाना बन गया, अभी अच्छे से खाएंगे फिर सोसाइटी जाएंगे। केक अरेंजमेंट हुआ कट करने के लिए, ठीक है, आपके भाई लोग ने केक मंगाया लेकिन अरेंज तो मैंने किया था कट करने के लिए। हाँ अभी सच बात बोले तो ये हमारा सेलिब्रेशन आज का, ऐसे ही छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन है। अभी मैंने तो बोला था बाहर जाएंगे, आप लोगों ने मना किया। बाहर खा खा कर बोर हो गए और अभी केक का सेटिंग भी हो गया, भाई भाभी का इंतजार में है, वो लोग जब आएंगे तो केक बहुत करेंगे। दूर रहते हैं ना वो लोग आएंगे। ये है मेरा भाई भाई भाभी का घर, बहुत दूर है, अभी तक नहीं है, हम रेडियो के बैठे हैं। देखिए तन्वी उधर दिख रही है, अभी भाभी दिखे, तो ये डोर जब एंड होता है उनका डोर ओपन होता है, तो उनका घर वहाँ से स्टार्ट है, पूरा फ्रंट टू फ्रंट है, तो वो लोग का इंतजार है, जब वो आएंगे केक कटिंग होगा। यहाँ पर केक भी रखे हैं, This time something new cake. और मुझे भी इस टाइप का फोटो खींचने का मन है। ऐसा नहीं होगा, अभी टाइम चला गया। नहीं चला गया, अभी इस टाइप का एक फोटो खींचे तो मन शांति हो जाएगा। होगा होगा, ट्राई नहीं होगा। आज ज्यादा खा लिए क्या? बहुत ही सुंदर सा केक के देख लीजिए। ये रहा मेरा नया ड्रेस जो मैं चेन्नई शॉपिंग मॉल से ली थी, अच्छा दिख रहा है। सावित्री के लिए ली थी लेकिन पहनी मैं आज, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। ड्रेस मेरा भी नया शॉर्ट है। जितना भी नया ड्रेस रहता है ना, बाहर घूमने के टाइम पे पहन लेते हैं और जब सेलिब्रेशन के टाइम होता है ना तो ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, कहाँ है क्या, एक निकल जाए तो पहन लूंगा। इतना इम्पोर्टेंस है हमारा शादी का, देख लीजिए। कितना साल हुआ, कितना साल हुआ शादी? 14 साल। 14 साल झेल ली और 14 साल झेल लेंगे। Okay, happy anniversary, thank you. Oh, thank you. Thank you. So sweet, baby. At 2:30?
That is when I finished it. See, 2:30 करके दला. Happy anniversary. Happy anniversary.